हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। तो आज हम लोग हाइड्रोलॉजी का अगला चैप्टर जो कि है इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन एंड स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। एकदम सब्सक्राइब करना ही है, कंपलसरी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाए। और आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कंसेप्टिव यूज़ ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज़ द अमाउंट ऑफ। तो कंसेप्टिव यूज़ बेसिकली क्रॉप का ये होता है कि क्रॉप बच्चे से बड़े होने में, जब तक वो एक पेड़ बनेगा या जो भी अपना क्रॉप फुल ग्रोथ पे आएगा सीड से, तब तक वो जितना पानी यूज़ करता है उसको कंसेप्टिव यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो वो इंटरसेप्शन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है और इवेपोरेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी वो रोका पेड़, जितना उससे इवेपोरेट हुआ उसके आसपास के सॉइल से, और जितना उस प्लांट के लीफ के सरफेस से इवेपोरेट हुआ, तीनों का सम होता है कंसेप्टिव यूज़ ऑफ क्रॉप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस 97th नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द कंसेप्टिव यूज़ ऑफ वाटर बाय अ क्रॉप मींस वाटर कंज्यूम्ड बाय। तो वाटर कंज्यूम्ड बाय क्रॉप जो होगा वो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, जो इवेपो ट्रांसपिरेशन प्लांट का देखते हैं वो होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पे ये कह रहा है कि द पेनमैन्स इवेपो ट्रांसपिरेशन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। तो पेनमैन का जो इवेपो ट्रांसपिरेशन इक्वेशन है वो एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर अप्रोच दोनों पे बेस्ड है। और उसका इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन आप भी जानते हैं, PET, जो कि होता है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन इज इक्वल्स टू A into HN प्लस EA into gamma अपॉन A+gamma, जहाँ पे ये A जो है, A को कहते हैं स्लोप ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व मीन। टेम्परेचर कर्व का मीन होता है एयर में mm/Hg में, ओके। उसके बाद HN जो है यहाँ पे, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन है mm में इवेपोरेटेबल वाटर का, मतलब जो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा पर डे, उसका जितना रेडिएशन उसमें लगेगा उसकी वैल्यू होगा। गामा की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये, एक तो 0.49 mm होती है इसकी Hg पर डिग्री सेल्सियस। और EA जो है वो पैरामीटर है इंक्लूडिंग विंड वेलोसिटी और सैचुरेशन डिफिसिट के। तो EA का भी अलग फार्मूला होता है, यहाँ पे जो EA है इसका भी अलग फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है 0.35 ES minus EA इन ब्रैकेट 1 plus U2 by 160, ओके। तो ये बेसिकली आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बस इतना ही पूछा था कि पेनमैन्स इक्वेशन किस पे बेस्ड है, तो वो एनर्जी और मास ट्रांसफर बेस्ड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोप्लेट्स आर द लाइन ऑन अ मैप थ्रू पॉइंट्स हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ। तो ये होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन, मतलब आइसोप्लेस जो होते हैं वो सेम इवेपो ट्रांसपिरेशन वाली सारी पॉइंट्स को जोड़ते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इवेपो ट्रांसपिरेशन इज कन्फाइंड टू। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन जो है वो किस में कन्फाइंड होता है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन जो होता है सिर्फ डेलाइट में हो सकता है, ठीक है। तो डे लाइट ऑप्शन जो होगा हमारा डे लाइट आवर्स ओनली, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ सफिशियंट मॉइस्चर इज ऑलवेज अवेलेबल टू कम्प्लीटली मीट द नीड्स ऑफ वेजिटेशन फुली कवरिंग द एरिया द रिजल्टिंग इवेपो ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन या फिर PET, ओके। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर सफिशियंट मॉइस्चर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, तो सफिशियंट ना हुआ तो उसको एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर एक पेड़ है हमारा, एक पेड़ है, इसको पूरा एक ट्री बनने में, एक सीड को ट्री बनने में हमको 10 लीटर पानी लगता है, ठीक है। एक्चुअल नहीं पोटेंशियल, मतलब उतना अगर 10 लीटर पानी उसे दे दिया जाए तो वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन हमने उसे 5 लीटर ही पानी दिया तो वो एक्चुअली 5 लीटर के पानी के हिसाब से ही ग्रो करेगा, तो वो एक्चुअली इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाता है। और ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, समझ गए आप किस रीजन से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अंडर द सेम कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ वाटर विल गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन किस शेप में मिलेगा, तो कन्वेक्स वाटर शेप जो होगा वो, अगर सब कुछ सेम है जैसे विंड का टेम्परेचर सब सेम है, तो बेसिक सी बात है अगर सब कुछ सेम है, मान लीजिए अगर ये नदी है सब कुछ सेम है, सब कुछ विंड सेम है टेम्परेचर सेम है, तो जिस आपको पता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, तो आपको ही पता है कन्वेक्स जो वाटर सरफेस होगा उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होगा उसलिए ज़्यादा उसका इवेपोरेशन भी होगा, तो हाईएस्ट रेट होगा उसके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सुटेबल टू यूज एज ए वाटर इवेपोरेशन इनहिबिटर। तो वाटर इवेपोरेशन मतलब इनहिबिटर होता है, मतलब रोकने के लिए। बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए बहुत बड़ा पॉन्ड है या फिर रिजर्वायर है हमारा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसमें अगर 1 सेंटीमीटर भी वाटर लॉस होता है पर डे अगर सूरज की गर्मी के कारण, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में लॉस हो जाएगा क्योंकि वो वाटर रिजर्वायर का एरिया बहुत ज़्यादा है। उसीलिए बहुत सारी मेथड्स हैं वाटर सेव करने के लिए कि उसमें काले रंग के बॉल डाल दिए जाते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं उसे, या फिर सीट से कवर कर दिया जाता है या फिर एक केमिकल डाल दिया जाता है। तो ये जो सिटाइल अल्कोहल होता है ये हम ऊपर से एक लेयर बिछा देते हैं जिसके कारण इवेपोरेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर लॉस थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज। तो जो लीफ से निकलता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो सरफेस मान लीजिए ये एक पत्ता है, तो पत्ते के में स्टोमाटा वगैरह होते हैं ना, उससे जो वेपर निकलते हैं पत्ते से, जो सरफेस से वाटर का लॉस होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेपोरेशन इज अ मेजर यूजिंग। तो इवेपोरेशन जो है वो एक ऐसा मेजर है जिसमें पैन के हेल्प से इवेपोरेशन मेजर करते हैं। आपने भी सुना होगा आईएस पैन और फिर यूएस इंटरनेशनल वाले जो हैं वो सब पैन हैं अलग अलग, तो उससे करते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप जैसे इस आंसर में देख सकते हैं क्लास ए इवेपोरेशन पैन, ISI पैन, कोलोराडो संकेन पैन, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द सैलिनिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डज नॉट अफेक्ट इवेपोरेशन, रिड्यूसेस द इवेपोरेशन, इंक्रीजेस द इवेपोरेशन, नन ऑफ द अबव। तो आपको ही पता है कि जब वाटर सैलाइन होता है तो वो इवेपोरेशन के रेट को थोड़ा कम कर देता है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं आंसर में, द सैलिनिटी इन वाटर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन रिवर वाटर, हेंस कॉजेज रिडक्शन इन रेट ऑफ इवेपोरेशन। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इज 2-3% लेस देन फ्रेश वाटर। तो बी ऑप्शन हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इवेपोट्रांसपिरेशन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग। तो इवेपोट्रांसपिरेशन को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है लाइसीमीटर। ठीक है, तो लाइसीमीटर जो होगा इसका आंसर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं जैसे विंड वेलोसिटी को एनेमोमीटर से मेज़र करते हैं, ये आप याद ही रखिए, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द फाइटोमीटर मेथड इज जनरली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो फाइटोमीटर मेथड जो जनरली यूज़ किया जाता है वो ट्रांसपिरेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी यूजेस होंगे एप्लीकेशंस होंगे आपको बेसिकली याद ही रखना होगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इन अ डाइल्यूशन टेक्निक ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड। तो सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन टेक्निक में स्ट्रीम फ्लो के, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा पहली बात तो सॉल्ट से, आपने जैसे ऊपर भी देखा इवेपोरेशन कम हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि सलाइन वाटर हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा अपने आप उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नोजल डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट। ऑप्शन दिया है टोटल एनर्जी टू प्रेशर, टोटल एनर्जी टू वेलोसिटी। तो आपको ही पता है कि नोजल, मान लीजिए अगर ये पाइप है तो आप जब नोजल लगाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है फ्लो की। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द बॉडी ऑफ वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब वेट्स
2 kN इन वाटर देन द बॉडी वेट इन एयर इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये करना है कि पहली बात तो वॉल्यूम दिया है हमें, ठीक है, और वेट दिया है किसमें, वाटर में। तो वाटर में आपको ही पता है कि वाटर में अगर हम कुछ प्लेस करते हैं तो इस पर बायोन फोर्स भी लगता है एफ बी, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम डूबा रहेगा उसी पे रो जी वी करके एक बायोन्सी फोर्स लगती है ऊपर, ठीक है। तो वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा, तो वेट जो वाटर में है और माइनस जब एयर में था, ठीक है, तो एयर वाले पार्ट का माइनस कर रहे थे, वाटर में रहेगा तो जो बायोन फोर्स होगा ऊपर लगेगा, तो हवा में रहेगा तो क्या होगा, वो पूरा वेट लगेगा ना, जितना वेट ये कैंसिल कर रहा था पानी के कारण वो भी वेट ऐड होगा उसमें, उसीलिए इस वेट को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली वेट क्या था वाटर में, वेट जब देखें वाटर में डाल के तो क्या था, 2 kN 2×10³, उसके बाद 1000 kg/m³ होता है डेंसिटी वाटर का, 9.81 ग्रेविटी हो गया और 3 उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये 31.4 kN इसका वेट आ जाएगा हमारा एयर में, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इन अ मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर शोस अ 20 cm डिफरेंस इन मरकरी लेवल, द डिफरेंस इन प्रेशर हेड इज कंसिडर्ड इफ कंसिडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इतना, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल मैनोमीटर बेसिकली ऐसा कुछ होता है, सॉरी ये कुछ ऐसा होता है, ये ठीक है कुछ ऐसा, ये ऊपर गैप होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर और वन पे, तो ये कुछ गैप होगा इनके बीच, ये जो एक्स है दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ऑयल, ये मरकरी, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इस ये चीज़ आप फ्लूइड्स में पढ़ोगे, तो फ्लूइड्स में इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच, यानी जो प्रेशर डिफरेंस हो गया हमारा, इनटू एक्स जो उनके हेड्स में डिफरेंस है, जो यहाँ दिया हुआ है हमारा 20 cm, उसके बाद फिर उसका मरकरी का डेंसिटी अपन ऑयल का डेंसिटी -1, तो इसे आप पूरा कैलकुलेट करोगे 3.2 m ऑफ ऑयल आ रहा है, यानी कि जो सी ऑप्शन होगा हमें वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड इन केस ऑफ इमर्स्ड बॉडी एक्ट्स थ्रू द, तो रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड कहाँ से ऐड करता है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी से ऐड करता है, मतलब दो तरह के होते हैं, जब हमारा फ्लूइड्स में पानी डूबा, कोई ऑब्जेक्ट डूबा होता है ना, तो इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम लोग सीजी कहते हैं, और एक होता है सेंटर ऑफ बायोन्सी जहाँ से एफ बी लगता है, बियॉन्ड फोर्स जो होता है ना वो लगता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो आप समझ सकते हैं जब ये टिल्ट किया जाता है तो ऐसा होगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, उसीलिए सीधा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ द मेटा सेंटर एम इज, तो स्टेबिलिटी के लिए जो होता है वो मेटा सेंटर जो होना चाहिए वो बिलो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी के। मान लीजिए जैसे कि अगर जस्ट उल्टा केस होता कि अगर मेटा सेंटर उसका ऊपर चला जाता है सेंटर ऑफ मास के, तो वो पलट जाता है बॉडी, ठीक है, वो रोटेट कर जाएगा, वो डूब जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होना चाहिए, बिलो द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ठीक है, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज व्हाट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें भी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है कि किसी भी चीज़ का ग्रेविटी मरकरी का वाटर के रेस्पेक्ट में, तो मरकरी का होता है 13,600/1000 करेंगे तो आपको ये 13.6 मिल जाएगा, जो कि हमें पता ही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है ड्रेनेज डेंसिटी इज एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन बेसिन, या स्ट्रीम डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रेनेज एरिया, ठीक है। तो ड्रेनेज डेंसिटी जो होता है हमारा, पहला ऑप्शन जो पढ़ा था मैंने, पता है मुझे कि सही है वो, एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट ड्रेनेज एरिया विद इन द बेसिन, ओके, तो कैचमेंट के विद इन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम हाइड्रोलॉजी में मैक्सिमम कैचमेंट के अंदर की ही बात करते हैं, या फिर जब हमें मिलाना होता है तब मिलाते हैं कैचमेंट्स को, ऐसे नहीं मिलाते, ठीक है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइसीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था इवापोट्रांसपिरेशन के लिए यूज किया जाता है लाइसीमीटर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 क्वेश्चन मैम से ये कह रहा है, रिवर हैज एवरेज सरफेस विड्थ ऑफ 20 मीटर, ओके, इफ द इवापोरेशन मेजर्ड इन विसिनिटी ऑफ रिवर इज 5.5 mm पर डे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रिवर इन मंथ ऑफ 30 डेज इज मीटर क्यूब, कितना होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको मल्टीप्लाई करता चला जाना है। पहले तो 20 मीटर, पहले 20 मीटर विड्थ का था वो, ठीक है, ये विड्थ हो गया मान लीजिए 20 मीटर। अब ये 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में है, तो 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 1000 और ये 20 हो गया, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया, ये सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो किसी भी mm पर डे, यानी इतने mm पर डे से लूज़ कर रहा है वाटर, यानी कि इस पूरे सरफेस एरिया से 0.5 mm वाटर चला जाएगा एक दिन में, तो 30 दिन में कितना जाएगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सब कुछ मीटर में, तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ब्लेनीज क्रीडल मेथड इज यूज टू डिटरमाइन व्हाट, तो ब्लेनी क्रीडल का जो मेथड होता है वो कंसेप्टिव यूज ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप अपने ग्रोथ पीरियड में कितना पानी यूज करता है उसको बताने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट इज द मेजर सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर ऑफ फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन ऑब्वियस ही बात है, देखिए मान लीजिए कि बादल बन रहा है कहीं पे या फिर एटमॉस्फेयर में पानी जा रहा है, तो उस सोर्स से ज़्यादा जाएगा ना जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। तो अगर समुद्र का सरफेस एरिया बड़ा है, वहाँ पे पानी जाता है, तो इवापोरेशन पूरे धरती का भी मिला लेंगे हम तो समुद्र के कंपेरिजन में कुछ नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ का 3/4 हिस्सा ओशियन ही है, ठीक है, तो इवापोरेशन फ्रॉम ओशियन बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एग्ज़ाम्स में आपको एक और चीज़ ध्यान रखना होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिक बेस्ड ही होते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में अगर नहीं भी जानते हो तो बेसिक लॉजिक लगा के भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिट्रीमेंटल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रेक वाटर, तो ब्रेक वाटर बेसिकली होता है क्या? ब्रेक वाटर वो मान सकते हैं आप, जैसे आप मुंबई में देखे होंगे ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल शेप के पत्थर रखे रहते हैं समुद्र की लहरों को तोड़ने के लिए, तो वो होता है हमारा ब्रेक वाटर, ठीक है। तो ब्रेक वाटर बेसिकली हमारा कोई भी ग्राउंड एरिया हो गया जहाँ पे घर गृहस्थी है उसे बचाने के लिए यूज़ होता है, तो इसमें कौन सा चीज़ को डिटरमाइन करके नहीं बनाया जाता, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन समर को डिटरमाइन करके नहीं बना सकता, क्योंकि वो पानी रोकने के लिए बना है, तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को रोकेगा। समुद्र से कोई जानवर आ जाता है बड़ा सा, उसे सह सकता है या रोक सकता है, या फिर सॉल्वेंट एक्शन ऑफ सी वाटर यानी सी वाटर को रोकेगा अगर उसको रोजन वगैरह कोई है तो, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 7 डे एवरेज फॉर 24 आवर टू 24 आवर काउंट ऑन अ पीरियड डे इज कॉल्ड, तो जो 24 आवर का जो हम पीरियड डे काउंट करेंगे ना पार्टिकुलर डे के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं डेली फैक्टर। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, चलिए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं जल्दी से। तो तीसरा ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली फैक्टर ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो डेली फैक्टर होता है आप याद कर लीजिए, इसे एवरेज ऑफ काउंट ऑफ 7 डेज फॉर 24 आवर अपॉन 24 आवर काउंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एरिडिटी इंडेक्स AI इज डिफाइंड एज PET कैसे डिफाइन किया जाता है उसको, ठीक है। तो वो बेसिकली ऐसे डिफाइन होता है कि AI इज इक्वल्स टू PET और AT के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए, अगर एरिडिटी इंडेक्स है तो पहली बात निगेटिव होना नहीं है उसे, तो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन पोटेंशियल से कम होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब रहा बात इसका, तो ये 2 AI नहीं होता फॉर्मूले में, नॉर्मल AI होता है, ठीक है। तो PET माइनस AT अपॉन PET, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AET अपॉन PET इंटू 100, ओके। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अ करेंट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं करेंट मीटर को. करेंट मीटर को किसकी वेलोसिटी यूज करने के लिए मेजर करते हैं? नदी की. बहुत सारे टाइप के करेंट मीटर होते हैं, आपको नीड होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इफ अ मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ 300 mm इज 24 आवर ऑफ 300 mm 24 आवर हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 100 ईयर, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 आवर रेनफॉल इक्वल टू और ग्रेटर देन 300 mm अकरिंग इन एटलीस्ट 1 in 10 years इज इक्वल टू. यानी हमसे क्या पूछ रहा है कि रिटर्न पीरियड कितना है उसका, 100 ईयर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर हमें दिया है 10, और इसमें हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक बार आने का, यानी रिस्क पूछ रहा है हमसे. तो प्रोबेबिलिटी हम पी कैसे निकालेंगे, 1/t करके निकाल लेंगे, ठीक है, और रिस्क का फॉर्मूला होता है 1 - (n) - p(n). ये आप याद रखिए, ठीक है. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा. उसके बाद पी का भी एक फॉर्मूला होता है, (nCr)(p)(n) एंड (q)(n-r). ओके, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. ये प्रोबेबिलिटी हो गया p, जिसमें होता है 1/t. उसके बाद रिस्क हमारा ये फॉर्मूला था, इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 0.99 की पावर 10, ये आंसर हमारा जो होगा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और ये फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा. मुझे उतने कुछ खास अच्छे से याद नहीं है, प्रोबेबिलिटी सही ही है ये, बाकी अगर गलत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इफ द मॉइस्चर अवेलेबल इज लेस देन व्हाट द प्लांट कैन ट्रांसपायर द एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन इज मोर. ओके, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन फ्रॉम एन एरिया अंडर अ क्रॉप इज इक्वली कंप्यूटेड बाई ETC/ETR/CF, ठीक है, और द रेफरेंस क्रॉप पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू द इवापोरेशन ऑफ ओपन सरफेस ऑफ वाटर बॉडी. तो पहला जो सेंटेंस है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन इज मोर. हमेशा आपको याद रखना है कि AET जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है PET से, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो पहला गलत है. दूसरा हमसे कह रहा है द पोटेंशियल इवापोरेशन फ्रॉम एन एरिया ऑफ क्रॉप इज यूजली कंप्यूटेड एज दिस. ये गलत सेंटेंस है, ये भी गलत है, और ये थर्ड वाला सही है सर, ठीक है. तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन इफ पैन इवापोरेशन इज डिनोटेड बाई EP एंड एक्चुअल इवापोरेशन इज ई, देन तो उसमें रिलेशन क्या होगा, ठीक है. तो आप जानते हैं कि पैन इवापोरेशन जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है एक्चुअल इवापोरेशन से. क्यों? पहली बात, उसका सरफेस कम होता है, फिर हीट प्रॉपर मिलती है उसे, और सेम कंडीशन में अगर बड़े सरफेस पे भी करते हैं तो उसका सरफेस ज़्यादा होगा, ठीक है. तो एक्चुअल इवापोरेशन से पैन का ज़्यादा होता है, ठीक है. तो इसमें जो EP है, पैन इवापोरेशन, वो ज़्यादा होता है, यानी ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो मॉडिफाइड पेनमैन इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो मॉडिफाइड पेनमैन इक्वेशन जो यूज था वो इवापोट्रांसपिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ब्लेनी एंड क्रीडल मॉडल फॉर्मूला इज यूज फॉर. तो अभी हमने देखा था कि सॉइल इवापोरेशन हो गया या फिर कंजप्टिव यूज के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, एनुअल इवापोट्रांसपिरेशन, ये सी बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इवापोरेशन फ्रॉम ए क्लास ए पैन इज 0.5 cm अ डे एंड इवापोरेशन पर मंथ फ्रॉम ए कनाल इज 100 kg लोड एंड एवरेज सरफेस ऑफ 15 m विल बी वॉट. 130th नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, सॉरी वो पेन मेरा काम नहीं कर रहा था, तो 130 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मुझे क्वेश्चन में भी गलत लग रहा है, क्योंकि 0.5 cm पर डे का क्लास ए वेपोरेशन का पैन का दिया है, ठीक है, और इसके लिए जो हमारा वो होता है पैन कॉफिशेंट होता है वो 0.7 लेते हैं एवरेज केस में, और नॉर्मल केस में 0.8 लेते हैं. तो अगर इसे हम 0.8 कंसिडर कर लेते हैं
तो एक महीने में पैन से कितना इवापोरेट होगा, 0.5 × 30 यानी 15 सेंटीमीटर एक मंथ में, ओके। और इक्विवेलेंट मेरा कनाल से कितना जाएगा, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 1 = 12 यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कनाल से मेरा 12 सेंटीमीटर का पानी इवेपोरेशन लॉस होगा एक मंथ में। और ये जो 100 केजी लोड लिखा है, इस मुझे लग रहा है ये 100 किलोमीटर लॉन्ग होगा एंड एवरेज सरफेस एरिया यानी विड्थ दिया है, यानी इसका लेंथ और विड्थ दिया है, तो सरफेस एरिया आराम से आ जाएगा। सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारा, 100 किलोमीटर यानी 10^3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई इनटू 15 उसका विड्थ हो गया, इनटू कितना इवेपोरेशन हो गया, 12 × 10^-2 क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 × 10^3 जो कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं से आपके पास अगर कहीं सोर्स हो तो, या फिर मैं अपडेट कर दूंगा इसे, ओके। 131 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कंजप्टिव यूज़ इन मैग्नीट्यूड इज, तो कंजप्टिव यूज़ जो होता है वो इक्वल होता है इवेपोट्रांसपिरेशन के, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। प्लांट के जीवन में जितना पानी वो यूज़ करता है उसको कहते हैं कंजप्टिव यूज़, ठीक है। तो 132 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ रेटिंग कर्व एप्लीकेबल टू अ सेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन, तो रेटिंग कर्व जो होता है वो वाटर सरफेस एलिवेशन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रेनफॉल स्टडीज अ थाइजेंड पॉलीगन मेथड इज डिस्क्रिप्टिव टर्म ऑफ शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके, इज अ पॉलीगन ऑब्टेंड बाय ज्वाइनिंग एडजेसेंट रेन गॉज, तो ये तो नहीं है, तो ये बी ऑप्शन तो गलत है। इज अ रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज फॉर वेइंग ऑब्जर्व प्रिसिपिटेशन एट अ रेन गॉज स्टेशन, ये भी गलत है, ये तो एवरेज मीन मेथड कह रहा है। एक और ऑप्शन है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन हमसे ये कह रहा है इज अ रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्थ एरिया कर्व, नहीं ये भी गलत है, ओके। सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई एक, ये जो है सी ऑप्शन जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि आप अगर बाकी ऑप्शन देखेंगे तो कोई एकदम डिस्क्रिप्शन मैच ही नहीं करता, ठीक है। तो पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव टर्म नहीं होगा हाइड्रोग्राफ का, ठीक है, ये ऑप्शन ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो है सब में अच्छा मैच कर रहा है, क्योंकि थाइजेंड पॉलीगन में करते क्या है, थाइजेंड पॉलीगन में बेसिकली ये होता है एक पॉलीगन दिया रहेगा, रेन गॉज स्टेशन दिए रहेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इन्हें जोड़ते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे, ऐसे ही पूरा प्रोसेस होता है। तो ऑब्जर्व प्रिसिपिटेशन एट रेन गॉज स्टेशन के द्वारा उनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इन अ कैचमेंट देयर आर 6 रेन गॉजेस जिनका एवरेज डेप्थ भी दे दिया हमें कितना, 92.8 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पहले से ही दे दिया, यानी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें म्यू और सिग्मा पहले से ही मिल चुका है 30.7 सेंटीमीटर और एरर दिया है 10% का डिग्री ऑफ एरर हम ले सकते हैं। और हमसे पूछा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशन कितने होने चाहिए, और पहले से कितने थे उसमें 6, तो इसमें एडिशनल की बात नहीं की गई है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा लिख देता है एडिशनल नंबर ऑफ रेन गॉजेस कितने होने चाहिए, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो गिवन इक्वेशन से क्या कह रहा है, म्यू दिया है हमें, सिग्मा दिया है, तो पहले तो हम सी वी निकाल लेंगे, ठीक है, सी वी निकाल लेंगे सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 करके, तो 33.08 आएगा और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज का फॉर्मूला होता है सी वी अपॉन एरर का होल स्क्वायर, तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 10.94 आ रहा है जो कि 11 है। अगर यहाँ पे एडिशनल टर्म यहाँ पे कहीं पे इन मेजरमेंट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ यहाँ पे अगर एडिशनल ऐड कर देता, ठीक है, तो पहले से कितने थे 6, अभी 11 लग रहे हैं यानी 5, फिर होता आंसर हमारा ए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडिशनल टर्म नहीं है, उसी डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द एलिवेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ कन्फाइंड एक्विफर एट टू लोकेशन इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 100 मीटर
इज 1028.2 एंड 1027 रिस्पेक्टिवली। तो परमेबिलिटी जो दिया है एक्विफर का वो 12 मीटर पर डे है और पोरोसिटी दिया है 15% का। तो बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पे कुआं है, एक यहाँ पे कुआं है, इसमें पानी कुछ है, इसमें पानी कुछ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर और इनके इसके बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से वेलोसिटी जो होता है वो होता है के इंटू आई, परमेबिलिटी इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट। हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट परमेबिलिटी तो हमें दिया है 12 मीटर पर डे से ट्रेवल कर रहा है वो, उसके बाद फिर हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट ये परमेबिलिटी कॉफिशेंट होता है के, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट जो हो गया हमारा वो होता है डेल्टा एच अपॉन लेंथ, ठीक है। तो डेल्टा एच हमारा 1028.2 माइनस 1027 अपॉन 100, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसे आप पूरा कैलकुलेट कर लेना, आप नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कट जाता है, ठीक है। उसके बाद वी एक्चुअल जो होता है वो होता है वी अपॉन एन, यानी पोरोसिटी से जब डिवाइड कर देते हैं। ये एक्चुअल और जनरल वेलोसिटी क्या है, तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए अगर ये फ्रंट से हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई सॉइल का एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई सॉइल का एलिमेंट है, तो यहाँ से अगर पानी एंटर कर रहा है इस फेस से, तो हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं कि इस पूरे फेस से इंटर हो रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे भी तो सॉइल है, सॉइल के वॉइड से इंटर होता है, उसी लिए एक्चुअल और सीपेज वेलोसिटी वाला अंतर आ जाता है, ठीक है। तो एन से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी हमारा आ जाएगा, तो उसे निकालेंगे तो 0.96 मीटर पर डे आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द कलर ऑफ लाइट यूज फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज, तो येलो कलर, द कलर ऑफ लाइट विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज येलो कलर, सी को यूज़ करते हैं येलो कलर को, उसके विजिबिलिटी ज़्यादा होती है फॉग में, तो सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफ्लुएंट स्ट्रीम इज डिफाइंड एज, तो इफ्लुएंट स्ट्रीम बेसिकली वो होता है कि जो ग्राउंड वाटर से जो डिस्चार्ज मिल जाता है ना उसे इफ्लुएंट स्ट्रीम कहते हैं, या फिर इफ्लुएंट स्ट्रीम ही याद रखिए फिलहाल आप, या प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो कहते हैं इसे, हाँ। तो इफ्लुएंट स्ट्रीम जो ग्राउंड वाटर से डिस्चार्ज मिल जाता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंट, ये सी ऑप्शन देखेंगे आप। तो इसमें कह रहा है स्ट्रीम विच रिसीव सम फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल एंड रेनफॉल एक्सेस, दैट इज रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन, मतलब जितना पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा रेनफॉल एक्सेस, बेसिकली जो रन ऑफ होता है उसको रेनफॉल एक्सेस कहते हैं, ठीक है। रेट्स ओवर स्पेसिफाइड एरियाज ड्यूरिंग सक्सेसिव टाइम इंटरवल गिवेन एज, तो इसको हम लोग हाइटोग्राफ कहते हैं, ये जो बार ग्राफ दिया होता है रेनफॉल एक्सेस और एवरेज रेनफॉल का, उसको हम लोग हाइटोग्राफ कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन अकर कब होता है, तो ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली, तो ऑप्शन देखेंगे इन नाइट, इन हिल्स, इन सी, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन प्लांट से रिलेटेड है, वो जगह से रिलेटेड नहीं है कि समुद्र में होगा या हिल्स में होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए इसी के साथ हमारा जो सेकेंड ऑप्शन था, सेकेंड चैप्टर था वो ख़त्म होता है यहाँ पे। तो अगले वीडियो हम अगला चैप्टर लाएंगे, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले अगले वीडियो बनाने के लिए, और कंटेंट के बीच में फ्लो बना रहेगा, क्योंकि मोटिवेट जैसे इंसान होता है तो और ज़्यादा मन करता है कि हाँ वीडियो बनाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।